आपण मुंबईकडून इथे आला त्याबद्दल आपलं सगळ्यांचं मी खूप खूप आभार मानतो आणि असंच प्रेम हे कायम आमच्यावर आपण ठेवावं। मला तरी असं वाटतं की ह्या प्रेमामध्ये आम्ही कायम आपल्या ऋणामध्ये राहू इच्छितो, कारण की दात्याच्या भरोशावरच हे काम करू शकलो आहे। एसडीएफसीचे खूप खूप आभार मानतो, आपल्यांचे सगळ्यांचे खूप आभार मानतो। प्रतापने दिलेल्या सूचनेनुसार प्रत्येकाला सायकल मिळेल, चालवण्याचा हट्ट करू नका, मी घेऊन जाईन। आणि तू रोज चालवून भाऊ नंतर चालवायची ती उद्यापासून, पण आज घरी घेऊन जा, मस्त तिला चार्जिंग कर फुल, मस्त बैस, बायकोला पूजा करायला लाव, बायको नसेल तर आईला पूजा करायला लाव, आई नसेल तर बहिणीला पूजा करायला लाव, आणि मस्त पैकी सायकल चालव, दोन दिवस चालव फक्त, नंतर धंदा पाणी कर। आणि जर कोणाला विकली तर मग आमचं लक्ष त्याच्यावर राहील, नाहीतर विकून काय मिळणार आहे तुम्हाला? घेणारा तुमच्यापासून 20-25 हजारात देईल, पण बँकेचं लक्ष आहे, बँक मग उद्या आम्हाला दुसऱ्या कामाकरता मदत करणार नाही। म्हणून आपल्या एकट्याच्या स्वार्थाकरता दुसऱ्याचं नुकसान करण्याची मानसिकता डोक्यामध्ये ठेवू नका, स्वावलंबी व्हा। मी अपंग नाही, हे दोन हात पायावाल्यांपेक्षा सुद्धा मजबूत आहे हे सिद्ध करण्याची आज वेळ आलेली आहे, आणि ते आपण करावं अशी प्रार्थना करतो। आणि माझे लांबलेले दोन शब्द संपवतो, जय हिंद जय महाराष्ट्र। माफ करना, ये जो आपने साइकिल्स देख रहे थे इसका जब 2.5 कोटी आप बोल रहे थे, इनिशियली 1.5 कोटी था। हमारा जो बैंक बताया था इसका कास्ट होता है 30,000 होता है, नॉर्मली पब्लिक में परचेज करेंगे 25-30 हजार में आता है, पर इसका कास्ट ज्यादा है 50,000 है। सो बैंक ने बताया कि क्यों इतना आप खर्चा करते हैं जबकि 30,000 रुपये मिलता है। माननीय माननीय मंत्रीवर ने क्या बताया था, उन्होंने पुणे में जाके टेस्टिंग किया इसका, उन्होंने बताया कि हमारा जो विलेज में जो रहते हैं बीच में रुकना नहीं चाहिए, और वो जो पुराना मॉडल है वो सब सदियों से चलते आया, और इलेक्ट्रिक चाहिए मेरे को, एंड ये सबसे अच्छा चाहिए, जिसमें देश में अभी तक नहीं है ऐसा मॉडल चाहिए, इसलिए इसका महंगा हो गया। 1.5 कोटी का 2.5 कोटी करना पड़ा, सिर्फ मंत्री जी ने इसका टेस्टिंग करके हमारे बता यही चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, हमने बताया था तो हमें देना पड़ा सर। एक्चुअली इम्पोर्टेंट था, और उसने अशोक त्रिपाठी जी ने हमारे काफी पूछा था, इसके वजह से आज ये इलेक्ट्रिकल आपके पास आया था, बहुत अच्छा क्वालिटी का है जो बनाया था, उनको बहुत धन्यवाद सर। एंड मंत्री जी को मेरे को और एक कंप्लेंट है सर आपके ऊपर, हमारा ड्राइवर मेरे को छोड़ के चला गया, मेरा ड्राइवर जो 5-6 साल से था महाराष्ट्रीय, मैं अच्छा देखता हूँ उसका खाना पीना सब देता हूँ, फिर भी छोड़ दिया अचानक, मैंने क्यों छोड़ दिया? सरकार के वजह से क्या हो गया? मंत्री जी ने गांव में पानी दिया, पानी दिया तो ठीक है ना, उससे क्या हो गया? सो मेरा खेती अभी तक काम चालू नहीं था, अभी खेती के लिए मैं गांव जा रहा हूँ। सो एक महीना मेरे को मेरा गाड़ी नहीं है, ड्राइवर नहीं है, और मैं चलाता नहीं है, मेरे को टैक्सी में जाना पड़ा। सो कंप्लेंट सर आपको, आपके वजह से मेरा ड्राइवर चला गया। बट जोक्स अपार्ट, ये आप जो अच्छा कार्यक्रम करे इसका एग्जाम्पल के लिए मैं बताया, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।